हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी ट्रिक्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? चलें, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है पोटैटो टॉफ़ी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बच्चे भी पसंद करेंगे, बड़ी डिफरेंट तरीके से बनेगी ये और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे इसके अंदर। तो चलें, और जो भी कोई मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, उससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलें, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डो की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक कप फ्लावर लिया है, उसमें एक टीस्पून अजवाइन डाली है, एक टीस्पून सॉल्ट जाएगा और एक टीस्पून उसमें घी ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। इतना बाइंड करना है कि जब हम इसको मुट्ठी में लें तो वो इकट्ठा हो जाए, और साथ साथ फिर हम इसको ठंडे पानी के साथ इसकी डो बनाएंगे। ठंडे पानी से बनाने का ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो पानी आप देखते जाइएगा कि कितना यूज़ होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं करनी है, सॉफ्ट डो रखनी है इसकी। सबसे पहले हमने उसमें पैन में 3 आलू बॉईल कर लिए हैं और अब हमने एक अंडा लिया है, उसकी हमने योक निकाल देनी है और उसको हमने उसका वाइट पार्ट जो है वो श्रेड कर लेना है। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और कैंडीज़ और टॉफ़ी को तो देख के वैसे ही बच्चे बड़ा खुश होते हैं। चलें, अब हमने जो है वो आलू जो है वो मैश करने हैं, उनको अच्छी तरह मैश करके फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, फिर इसके अंदर 1/2 टीस्पून चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें अजवाइन जाएगी, 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स जाएंगे, क्रश चिली जिसको कहते हैं, और 1 टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा जाएगा, और 1/4 इसमें हम डालेंगे ओरेगनो टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम जो है राइस फ्लावर डालेंगे, उससे ये कि बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये। और श्रेड किया हुआ अंडा मिक्स कर दिया है हमने, अब 2 टेबलस्पून के करीब स्प्रिंग अनियन डाला है हमने, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ऐड कर दें। चलें, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करके तो फिर हम इसकी शेप बनाते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे टॉफ़ी शेप में आपने बनाना है। और ये जो है मैंने इसके अंदर अब डाला है राइस फ्लावर 1 टेबलस्पून। ये अब हमने ले ली है डो, इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने कट कर लेना है और फिर हम कट करके इसको ड्राई मैदा लगा के रोटी की तरह बेल लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना आपने रखना है थिक। ड्राई फ्लावर लगाने से ज़रूर ये होता है कि वो चिपकता नहीं है और इजीली जो है वो बन जाएगी आपकी। ये देखें, अब हम इसको रेक्टेंगल उसमें काटेंगे 3x3 के उसमें साइजेस में, आपकी मर्ज़ी है, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप लोग साइज़। और अब हम इसको काट के सारी तो इसके अंदर ये फिलिंग करेंगे और फिर इसको टॉफ़ी का जिस तरह रैपर होता है ना टर्न किया हुआ, उसको वैसे कर देंगे। बस देखें कितना सिंपल और कितना ईजी है,
और इधर फोक के साथ हम इसका निशान लगा देंगे और इसी तरह सारी टॉफीज बनेंगी। और फिर हम इसको मीडियम उस पर आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और लाइट लगता है खाने में, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो चलें आप फ्राई करते हैं। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर हो गया है इसका। हमने अपनी जो है पोटैटो टॉफीज जो हैं वो हमने डिश आउट कर ली हैं। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।